गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सेवन्थ हिंदी मीडियम सब्जेक्ट का आपका कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका एमएस वर्ड, पेज नंबर है 35। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे, और आपको ये नोटबुक आपके गार्जियन के थ्रू विद्यालय में भेजने चेकिंग के लिए, इसके लिए आपको विद्यालय में नहीं आना है। बात करते हैं निम्नलिखित के कार्य बताइए। केस बदलना, देखिए केस बदलना क्या है, केस बदलना होता है कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं अगर आप उसमें किसी में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसे क्या करना होगा, उसे हमें सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करना होता है उसे हमें चूज करना होगा। आप उसका जो केस है उसे आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू के चेंज केस से पर जाना होगा। क्या बताया मैंने आपको, जो फॉर्मेट मेन्यू है उसमें ऑप्शन आएगा आपका चेंज केस, उससे आप इस कार्य को कर सकते हैं। उसमें आपकी एक सूची आ जाएगी, उस सूची में आपके 5 प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि आपका सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस और टॉगल केस। चेंज केस आप 5 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अगर बाय चांस आपका अपर केस में सारे केस हो जाएंगे, बड़े आपके हो जाएंगे। सेंटेंस केस में आपको पता है जो वर्ब जो फर्स्ट लेटर होता है केवल आपका वो बड़ा होता है, बाकी सारे लेटर्स आपके छोटे होते हैं। उसके बाद है लोअर केस में आपके सारे छोटे हो जाएंगे। उसके बाद आपका टॉगल केस में आपको जो भी आपने दिया हुआ है अगर आपके बड़े हैं तो छोटे हो जाएंगे, छोटे हैं तो आपके बड़े हो जाएंगे। इस तरीके से आप 5 प्रकार से केस को आप चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं थीसरस। देखिए थीसरस क्या है, इसका प्रयोग हम किसी भी शब्द के अर्थ अथवा उस शब्द की विलोम की जांच करने के लिए करते हैं, यानी उस वर्ड का मीनिंग क्या है अथवा उसका एंटोनियम होता है उस वर्ड की अपोजिट। इसके लिए भी आपको जो टूल्स हैं, टूल्स में लैंग्वेज में से आपको थीसरस पर क्लिक करना होगा, और थीसरस पर क्लिक करने के बाद जो भी वर्ड आपको चेंज में लिखा है पे गुड़, तो गुड़ का प्रयोग होता है आपका बैड। इस प्रकार आप किसी भी वर्ड की मीनिंग या उसका एंटोनियम्स आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका स्पेल चेक। स्पेल चेक का मतलब क्या होता है, स्पेल चेक का मतलब होता है आप किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड टूल बार के जो स्पेल एंड ग्रामर ऑप्शन है, स्टैंडर्ड टूल बार के स्पेल एंड ग्रामर ऑप्शन पे जाकर आप किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को जांच आप कर सकते हैं। इसमें आप देखते होंगे इसमें 2 प्रकार की लाइन आती है, एक तो होती है लाल रंग की और एक आती है हरे रंग की। अगर किसी शब्द की स्पेलिंग गलती है, जैसे मैंने लिखा स्काई और मैंने लिख दिया SKI, तो स्पेलिंग गलती है तो ऑटोमेटिक उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ये वर्ड आपको उतारने में साथ साथ याद भी करना है। थैंक यू।